दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्वेरी सेशन स्टार्ट करते हैं। जितेंद्र जी कहते हैं, भैया फरवरी के अंदर जो प्रूनिंग है प्लांट की कर सकते हैं क्या? हाँ जी, आप इस सीजन की जो अब जो फरवरी आएगी उस फरवरी के अंदर ही आप प्लांटों की जो प्रूनिंग है वो कर सकते हैं। पीयूष जी कहते हैं, आलू बुखारे की एयर लेयरिंग कर सकते हैं क्या? ठीक है, आलू बुखारा अगर आपके पास बड़ा प्लांट है तो आप उस पर एयर लेयरिंग कर सकते हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किए, लेकिन आई थिंक मोस्टली लगभग सभी ट्री होती है उसके अंदर एयर लेयरिंग हो जाती है। कुछ में देर से होती है, कुछ में जल्दी हो जाती है, लेकिन हो जाती है। मीनू सिंगाल कहते हैं, जो रेडीज है, जो मूली है, उसको हम अलग अलग कर सकते हैं क्या उसकी सीडलिंग को? क्योंकि इन्होंने एक ही पॉट में जो है ज़्यादा प्लांट्स लगा दिए। देखिए, जो मूली है, गाजर है, जो जड़ वाली जो सब्जी है, इनकी जो सीडलिंग नहीं लगती, इनको डायरेक्ट जहाँ पे ग्रो करना होता है वहीं पे करना होता है। तो आप अगर इसको निकाल के लगाएंगे तो वो लग नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप उनको गहरा रखेंगे तो आपकी जो मूली है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी। तो आप जो ज़्यादा है प्लांट्स उनको आप निकाल दें। मेथी को आप अब लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मेथी आपकी उग जाएगी। विनम्रता जी कहते हैं, दिल खुश हो गया सब्जियाँ देख कर। इन्होंने कल जो हमारी सब्जी की जो वीडियो थी उसके ऊपर कहा है, शुक्रिया विनम्रता जी। दीपाली पाटिल जी कहते हैं, बहुत अच्छा लगा देख के, थैंक यू सर। इन्होंने जो कल सब्जियों की हमने वीडियो डाली थी उसके लिए कहा है। आकाश जी कहते हैं, वी कैन ग्रो इट इन विंटर। इन्होंने जो कमल के जो हमने सीड्स ग्रो किए थे उसके लिए कहा है। देखिए, विंटर में आप ना ग्रो करें तो अच्छा है, आप इसको फरवरी के बाद ग्रो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जितेंद्र जी कहते हैं, लेमन की प्रूनिंग कब करें? देखिए, लेमन की प्रूनिंग भी आप फरवरी में कर सकते हैं। पुष्पा जी कहते हैं, पोट के अंदर कॉलीफ्लावर लगा सकते हैं क्या? हाँ जी, आप लगा सकते हैं। जैसे कि आपका जो फ्लावर है वो इतना बड़ा होगा तो एक पोट के अंदर एक ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेम शर्मा कहते हैं, ब्रो मेरे पास कुछ प्लांट्स है क्या आप, लेकिन आई डोंट नो देयर नेम, कैन यू हेल्प मी प्लीज? देखिए, आप उनकी फोटो मुझे दिखा दें, मैं कोशिश करूंगा, जिनके नाम मुझे पता होगा मैं आपको बता दूंगा। रवि पात्रे कहते हैं, हेलो नमस्ते विजय जी, कुछ प्लांट्स के लिए आम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बताइए जो हम घर पर बना सके। देखिए, जो गोबरी खाद है वो मैंने बताया था, पत्तियों की खाद है उसका वीडियो मैं डाल चुका, जो नीम, जो सरसों की खल है उसका वीडियो मैं डाल चुका, जो बनाना पील फर्टिलाइजर है उसका डाल चुका, जो एग सेल्स के साथ, तो वो आप देख सकते हैं। तो काफ़ी वीडियो मैं वैसे डाल चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं, बाकी आगे मैं और आपको दिखा दूंगा। बलजिंदर जी कहते हैं, गोबर खाद का सर पौधों में कितने दिन रहता है, या फिर ये बताइए कि कितने दिन बाद डालना है? देखिए, गोबर खाद जो है, अगर आप अच्छे से गोबर खाद एक पॉट के अंदर डालते हैं तो दोबारा उसके अंदर आपको जोत नहीं पड़ेगी। अगर आपने फ्लोरिंग प्लांट लगा रखा है या वेजिटेबल प्लांट लगा रखा है तो उसके अंदर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप किसी ट्री के अंदर डालना चाहते हैं तो आप उसको 20 से 30 दिन बाद दोबारा ऐड कर सकते हैं। शिल्पा जी कहते हैं, मेरे पौधे अभी बड़े नहीं हुए, क्या कारण हो सकते हैं? एकदम से जो ठंड है वो काफ़ी बढ़ गई है तो उसके कारण जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पा रहे, तो वेट कीजिए, आपके प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। रुदिता जी कहते हैं, मेरे हिबिस्कस के जो प्लांट है वो नीचे की तरफ झुक गए हैं, मैं क्या करूं? देखिए, आप मुझे उसकी फ़ोटो दिखा दीजिए ताकि मैं देख सकूं क्या प्रॉब्लम है। सगुफ्ताज किशन कहते हैं, विजय सर मैंने नर्सरी से 6 मंथ पहले बुगनविला का पौधा लिया था, उसमें 6-7 लीव्स लगी हैं लेकिन ग्रोथ रुक गई है। देखिए, आप एक तो प्लांट को धूप में रखिए, इसको धूप काफ़ी अच्छी लगती है। दूसरा, आप इसके अंदर जो फर्टिलाइजर है वो ऐड कर दीजिए, लेकिन अभी मत कीजिएगा, आप फरवरी के अंदर उसकी जो फर्टिलाइजर है वो ऐड कर सकते हैं। और मुझे प्लांट की अगर फोटो दिखाएंगे तो मैं और अच्छे से समझ पाऊंगा उसकी कंडीशन। समीर जी कहते हैं, आप सीड्स कहाँ से लेते हैं? देखिए, मैं जो सीड्स हैं मोस्टली मैं बाय नहीं करता, मैं यहाँ लोकल जो शॉप है वहाँ से लेता हूँ, और एक बार मैंने उगाव से लिए थे। स्वामी पुष्पेंद्र जी कहते हैं, विजय सैनी जी राम राम, कृपया छोटे छोटे पॉली हाउस को बनाने की विधि बताइए और उसकी डायरेक्शन और उसकी जुड़ी जरूरी बटन की जानकारी दीजिए। हाँ जी, मैंने एक छोटा पॉली हाउस बनाया है, उसकी वीडियो मैं आपको डाल दूंगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा। अली जी कहते हैं, सर मैंने पपीता का प्लांट पोट में लगा रखा है जिसमें फ्लोवरिंग तो आती है लेकिन गिर जाती है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसका एक कारण हो सकता है, आपका जो पपीता है वो मेल होगा इसलिए उसकी जो फ्लोवरिंग है वो गिर जाती होगी। दूसरा, उसके अंदर अगर आपने ओवर वाटरिंग की होगी तो भी गिर सकती है, तो आप चेक कीजिए आपका जो प्लांट है वो मेल है या फीमेल है। कृष्णा जी कहते हैं, पालक पोट में लगा रखे है, अच्छी ग्रोथ के लिए कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करूँ? मैंने अभी तक लिक्विड गोबर डाला है। हाँ जी, आप जो ऑर्गेनिक है वही खाद डालिए, उसके अंदर फर्टिलाइजर मत डालिएगा, जैसे जो क्योंकि आपने जो पालक लगाया पोट के अंदर वो आपको खाने के लिए है ना कि वो सेल करने के लिए, तो अच्छा होगा आप उसको ऑर्गेनिक रखें, और थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आप उसको ऑर्गेनिक रखिए तो अच्छा होगा। आप उसके अंदर गोबर की खाद डाल सकते हैं, कंपोस्ट ही डाल सकते हैं। उषा पुंज जी कहते हैं, हेलो विजय जी, आप ये बताइए कि गोभी और मूली को वीक में कितनी बार वाटरिंग करें और कौन सा फर्टिलाइजर डालें ताकि आप जैसे हेल्थी फूड पा सकें? उषा जी देखिए, जो वाटरिंग का है वो आप टाइम के हिसाब से मत दीजिएगा, क्योंकि मौसम का अभी कभी हो सकता है तेज़ धूप हो कभी कम हो,
तो जब आपके सोइल में लगे आपको थोड़ा सा ड्राइनेस आ गया है तब आप उसको वाटरिंग कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने कोई जो केमिकल फर्टिलाइजर कुछ नहीं डाला है, स्टार्टिंग में हमने जो गोबर खाद है वो ऐड की थी, उसके बाद मैंने कोई फर्टिलाइजर इसके अंदर नहीं डाला है। आज तक कहते हैं भैया अभी हिबिस्कस की जो कटिंग है वो लगाने से सक्सेसफुल होगी क्या? देखिए आप अभी मत लगाइए, फरवरी के अंदर लगाइए तो आपकी जो कटिंग है वो अच्छे से ग्रो करेगी। वेद प्रकाश जी कहते हैं सर बोरन कब डालना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारे प्लांट पे जो फ्लोरिंग है वो किस मंथ में आएगी। देखिए आप फरवरी के बाद जो बोरन है वो 15 से 20 दिन बाद डाल सकते हैं, और आप सिर्फ बोरन डालना चाहते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी प्रोडक्ट आते हैं जिसके अंदर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे, उसके अंदर बोरन भी होगा, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। उससे आपके प्लांट में और भी कोई कमी होगी वो भी दूर हो जाएगी। तो एनपीके और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर आप डालते हैं तो आपके प्लांट को जो सारे न्यूट्रिएंट्स है वो मिल जाएंगे, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की वजह से आपके प्लांट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दो भाइयों की वाइंस कहते हैं सर रोज की कटिंग कितने दिन में तैयार हो जाती है? देखिए रोज की जो कटिंग है 15 से 20 दिन में जो उसकी ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उसको अच्छे से उसकी जो रूट सिस्टम बनने के लिए आप उसको कम से कम 3 मंथ तक वहीं पर रहने दें, उसके बाद आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। गीता अथवाल जी कहते हैं नाइस वेजिटेबल ओवरव्यू, शुक्रिया गीता जी। एहतेशाम कहते हैं जुनिपर की अपडेट वीडियो बनाइए, हाँ जी मैं इसकी वीडियो आपको जरूर दिखाऊंगा। सनी सिंह कहते हैं सर मेरे हिबिस्कस के प्लांट पर बड़ा आ रहे हैं, क्या मैं उसकी प्रूनिंग कर सकता हूँ? देखिए अभी मत कीजिएगा, फरवरी के मंथ में आप उसकी प्रूनिंग कर दीजिएगा। मोहम्मद जी कहते हैं विजय जी मैंने 24 इंच की कश्ती में मटर लगाई है, वो 4-4 इंच के हो गए हैं, क्या मैं उनको रिपोर्ट कर दूं या उन्हीं में चलने दूं? देखिए आप उनको रिपोर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मटर को जो है मटर की सीडलिंग नहीं होती, इसको जहाँ पे ग्रो करना होता है वहीं पे करना होता है, तो आप उसको वहीं पे ग्रो करने दीजिए। आसिम जी कहते हैं मुझे मोरिंगा के सीड चाहिए, कोई अच्छी साइट बताइए। देखिए इसके लिए आप मेरे ग्रुप में भी पोस्ट डाल सकते हैं, आपको मिल जाएंगे वहाँ से। मोहम्मद तारिक जी कहते हैं विजय भाई सकुलेंट की प्लांट की कटिंग जनवरी में लगा सकते हैं क्या? देखिए लगाने को आप लगा सकते हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ होगी फरवरी के बाद ही। वर्षा राठौर कहते हैं डहलिया के पौधा सूखने लगे तो क्या करें? देखिए एक तो इसका सूखने का कारण हो सकता है आपने इसके अंदर वाटरिंग नहीं की होगी बिल्कुल भी, तो आप उसके अंदर वाटरिंग कर दीजिए। ओके दोस्तों आज के सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं, कल नए सवालों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।